नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका जन की बात में। जन की बात में आज तीन खास मुद्दों पर बात करेंगे, क्योंकि आज की ये बड़ी खबर है और इन पर बात करना भी जरूरी है। सबसे पहले हम दिल्ली पर आएंगे, क्योंकि देश की राष्ट्रीय राजधानी है और इस पर बात करना जरूरी है, क्योंकि कोरोना काल में दिल्ली का सबसे ज्यादा बुरा हाल है। क्योंकि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, लगातार जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ट्वीट करते हैं, तो रोना रोते हुए नजर आते हैं। कभी ऑक्सीजन को लेकर, कभी बेड को लेकर, तो कभी वैक्सीन को लेकर। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संबित पात्रा कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जहां एक तरफ दिल्ली का बुरा हाल है, तो दूसरी तरफ वो लगातार राजनीति कर रहे हैं, और राजनीति करते करते वो ये भूल जाते हैं कि इस वक्त दिल्ली की जनता को वैक्सीन, ऑक्सीजन की जरूरत है, बेड की जरूरत है, ना कि राजनीति की। वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल कभी केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं कि वो ऑक्सीजन नहीं दे रही है, बेड नहीं दे रही है, या वैक्सीन ढंग से नहीं पहुंच पाई है उनके पास, तो कभी कहते हैं कि केंद्र की तरफ से हमें संभव मदद मिल रही है। तो ये जो दो बातें निकलकर सामने आती है, इसको लेकर कहीं ना कहीं जो दिल्ली की सरकार है वो कटघरे में खड़ी हो जाती है। और बीजेपी की प्रवक्ता संबित पात्रा भी ऐसे ही दिल्ली की सरकार को कटघरे में खड़े कर देते हैं और तमाम सवाल दागते हैं। देखिए, अगर बीते 24 घंटे की मैं बात करूं तो दिल्ली में 13,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। हालांकि पिछले दिनों के मुकाबले ये आंकड़े बेहद कम हैं, क्योंकि 25,000 30,000 तक मामले आए हैं दिल्ली में। देखिए, मामले तो कम आ रहे हैं, लेकिन जो रिकवरी रेट है वो ऊपर नहीं उठ पा रहा है, वो एक जगह टिका हुआ है। दूसरी तरफ जो डेथ रेट है उसमें काफ़ी वृद्धि हो रही है। वैक्सीन की अगर बात की जाए तो दिल्ली की जनता को लेकर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि एक दिन में 3,00,000 से ज़्यादा वैक्सीन लोगों को लग रही है। वहीं वो केंद्र से मांगते हैं कि कुछ और करोड़ वैक्सीन हमें चाहिए, ताकि हम आसानी से दिल्ली की जनता को वैक्सीन दे पाएँ, उपलब्ध करा पाएँ, वैक्सीन लगवा पाएँ, वैक्सीनेशन का जो ये महाअभियान है इसको पूरा कर पाएँ। उनका मानना है कि दिल्ली में कुछ बाहरी लोग भी रहते हैं, तो उनके लिए भी वैक्सीन चाहिए। देखिए, लोगों का ये आरोप है, सोशल मीडिया के ज़रिए हम ये बात कर रहे हैं, हालांकि न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया इसकी पुष्टि नहीं करता है, कि 3,00,000 की जो बात की जा रही है कि 3,00,000 वैक्सीन जनता को लग रही है एक दिन में, वो कहीं ना कहीं झूठी है, क्योंकि स्लॉट खाली लोगों को नहीं मिल रहे हैं, वो भी जुलाई तक स्लॉट खाली नहीं मिल रहे हैं। अगर 3,00,000 वैक्सीन एक दिन में लग रही है, 2 करोड़ से ज़्यादा की जनसंख्या है दिल्ली की, तो अगर एक दिन में 3,00,000 से ज़्यादा वैक्सीन लग रही है तो जुलाई तक स्लॉट खाली क्यों नहीं है। और अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि अगले 3 महीने में वैक्सीन सबको लग जाएगी। 3 महीने यानी कि मई चल रहा है, जून जुलाई, जुलाई तक स्लॉट बुक है। जब जुलाई में 3 महीने में वैक्सीन लगी जाएगी तो बुक्ड ऑलरेडी क्यों है? बाकी जो लोग हैं वो वैक्सीन कैसे लगवाएंगे और उनके लिए स्लॉट अलॉट क्यों नहीं हो पा रहे हैं? ये तमाम चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता जो है वो सरकार पर भरोसा नहीं कर पा रही है। लेकिन खुलकर कुछ लोग ही सामने आ रहे हैं, और बाकी सोशल मीडिया पर तमाम चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं ट्वीट के माध्यम से, या फेसबुक पर भी आप देख सकते हैं कि ऐसे तमाम चीज़ें हैं जिन पर बहस चल रही है, जिन पर बात हो रही है। तो सबसे पहले हम यही कहना चाहेंगे कि दिल्ली की सरकार पहले तो दिल्ली की जनता को गुमराह करने की कोशिश ना करे, और कंफ्यूज करने की जो स्थिति उत्पन्न हो रखी है उसे जल्द से जल्द ख़त्म करे, और वैक्सीन जो है वो जल्द से जल्द लोगों को उपलब्ध कराए, ताकि हर एक को वैक्सीन मिल सके। क्योंकि इस टाइम जो पेंडेमिक टाइम है वो हाई टाइम है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि मई 20 तारीख तक जो मामले हैं वो बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, तो ऐसे में जल्दी से जल्दी युवाओं को वैक्सीन लगे, ताकि इस संक्रमण से वो बच सकें, और अगर संक्रमित होते हैं तो उनकी लड़ने की क्षमता जो है वो रहे शरीर में। इसके अलावा आज बात बंगाल पर भी होगी, पश्चिम बंगाल। हाल ही में ममता सरकार वहाँ एक बार फिर से काबिज हुई है और आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। आज इस पर बात इसलिए हो रही है क्योंकि बंगाल में कोरोना के आंकड़े ठीक तरीके से दिखाई नहीं दे रहे हैं। बंगाल में अब जो आंकड़े हैं वो अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। आखिर क्यों? जब वहाँ पर चुनाव चल रहे थे, जब वहाँ पर रैलियाँ चल रही थी, तब आंकड़े दिखाई नहीं दे रहे थे।
क्या सिर्फ और सिर्फ जनता का इस्तेमाल चुनाव के लिए किया गया है? अब आंकड़े आ रहे हैं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, लोग इधर उधर भटक रहे हैं, उन पर किसी की नजर नहीं जा रही है। क्या सिर्फ इतना ही काम है लोगों का कि वोट ले लो और फिर उनकी तरफ देखो भी मत? इसलिए आप सभी लोगों से लगातार अपील ये की जा रही है कि आप लोग आंखें खोलिए और देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। कोरोना वहां पर फैल गया, बढ़ गया, अब आंकड़े धीरे धीरे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन तब नहीं देखा गया जब वहां पर रैलियां हो रही थी, जब वहां पर भीड़ इकट्ठा करवाई जा रही थी, क्योंकि तब चुनाव थे, क्योंकि तब सत्ता पर काबिज होना था या फिर किसी को भी धुरंधर बनना था। तब लोगों के बीच हिंसक झड़पें हुई और कईयों की जान चली गई। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ इस राजनीति की वजह से। इस राजनीति की वजह से लोगों ने अपनों को खोया है और कहीं ना कहीं एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। इसी चीज़ का ये जो राजनेता हैं, राजनीति चमकाने में इस्तेमाल करते हैं और कहीं ना कहीं एक वोट बैंक की तरह आप लोगों का इस्तेमाल होता है। अब आप लोगों से ये नहीं पूछा जाएगा कि आप लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं, कैसे हैं, आप लोगों को वैक्सीन कब लगनी चाहिए, वैक्सीन आपको लगी है नहीं लगी है। घर घर जाकर वोट तो मांगी जाती है, लेकिन घर घर जाकर ये नहीं पूछा जाएगा कि आपको वैक्सीन लगी है या नहीं लगी है, या आपके परिवार में कितने लोगों को लगी है, या फिर राज्य सरकार, केंद्र सरकार से क्या कुछ मांग कर सकती है। सिर्फ लगातार ममता दीदी ये मांग कर रही हैं कि वैक्सीन फ्री में लगनी चाहिए, ये तो आप मांग कर रही हैं, लेकिन कितने लोगों को वैक्सीन लगी है बंगाल में, आप ये तो बताइए, ये आंकड़ा जारी करिए। एक बार फिर से आप सत्ता में काबिज हैं। ये चीज़ें हैं जो बंगाल में इस वक्त हो रही है। इसके अलावा आज हम देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की भी बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त कोरोना पर बात हो रही है, चर्चाएं सिर्फ कोरोना पर हैं, क्योंकि यही इस वक्त देश में पैर पसार चुका है। पैर इतनी बुरी तरह पसार रहे हैं कि पिछले साल हमें बहुत ज़्यादा भयानक और भयावह लग रहा था, लेकिन ये नहीं पता था कि जब 2021 आएगा तो इसका एक और भयावह रूप कुछ इस तरह से दिखेगा कि चारों तरफ चिताएं, चारों तरफ शव, चारों तरफ रोते बिलखते लोग दिखाई देंगे। लखनऊ की अगर मैं बात करूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में मामले 30,000-35,000 आ रहे थे, जिसमें सबसे ज़्यादा लखनऊ में आ रहे थे, लेकिन अचानक हुआ कि लखनऊ में मामले कुछ कम होते हुए नज़र आ गए हैं और अब वहाँ पर आंकड़े बहुत ही कम आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या वहाँ पर इतनी सख्ताई हुई कि लोगों ने बाहर निकलना बंद कर दिया? क्या वहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई कि वहाँ पर अचानक मामले कम हो गए, या फिर किसने ऐसी जादू की छड़ी घुमाई कि सब कुछ ठीक हो गया? अगर ऐसी कोई जादू की छड़ी है तो पूरे प्रदेश में क्यों नहीं घुमाई गई, सिर्फ लखनऊ में ही क्यों? हो सकता है कि योगी सरकार बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही हो, इसलिए लखनऊ में आंकड़े कम आ गए हों, लेकिन ये जो बेहतर तरीके से काम हो रहा है, ये सिर्फ लखनऊ के लिए ही क्यों? बाकी उत्तर प्रदेश को इतना सौतेला क्यों दिखाया जा रहा है? वो इसलिए क्योंकि आंकड़े ये बताते हैं कि लखनऊ में एकदम से मामले कम हो गए हैं, लेकिन तस्वीरें जब सामने आती हैं, लखनऊ के कुछ बड़े शमशान घाट ऐसे हैं जहाँ पर शवों की कतारें लगी हुई हैं, या तो वो तस्वीर झूठी है या फिर आंकड़े झूठे हैं, लेकिन एक चीज़ झूठी है जिस पर विश्वास करना ही होगा, जिसे देखना ही होगा। क्या सिर्फ ये महज आंकड़े लोगों को तसल्ली देने के लिए, लोगों में पैनिक ना फैले, लोग परेशान ना हों, इसलिए दिखाए जा रहे हैं, या फिर हकीकत यही है कि शवों की जो कतार है वो सच्चाई है? ये तमाम चीज़ें हैं जो लखनऊ में मिलती हुई नज़र आ रही है। लखनऊ के आसपास के इलाकों में भी लगातार जो कोरोना से मौत का सिलसिला है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि रोज़ाना हमारे पास खबरें आती हैं और हम देखते भी, हमारे रिपोर्टर्स भी भेजते हैं, तो उसमें तस्वीरें कुछ अलग होती हैं, लेकिन जब हम सरकारी आंकड़े देखते हैं तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है यूपी के स्वास्थ्य महकमे की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, तब आंकड़े कुछ और गिनाए जाते हैं। खैर, ये अच्छी बात है, अगर ये सच्चाई है, आंकड़े सच्चे हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि उस पर काबू पाया गया है, लेकिन अगर इसमें कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है तो वाकई ये सोचने वाला विषय है कि क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्यों खुशहाल लखनऊ दिखाया जा रहा है, हकीकत क्यों नहीं दिखाई जा रही है। तो ये तीन आज की बड़ी खबरें थी जिस पर हमने विस्तार से चर्चा की है। उम्मीद करती हूँ कि आप कमेंट के माध्यम से तमाम सवाल करेंगे और आपके कोई भी ओपिनियन हो या कुछ भी आपको कहना हो, आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं।
किसी और टॉपिक पर अगर आप चाहते हैं कि हम इस टॉपिक पर बात करें तो आप ज़रूर कमेंट करिए, हम ज़रूर आपके मुद्दे को, आपका जो भी परेशानी होगी उसको हम ज़रूर जन की बात में उठाएंगे, क्योंकि जन की बात में लगातार हमारी कोशिश यही होती है कि आप लोगों तक सटीक और सही जानकारी पहुँचाएँ, आप लोगों की जो आवाज़ है हम वो उठाएँ, ताकि ये आवाज़ उन हुक्मरानों तक पहुँचे जो कि सत्ता में काबिज़ है। आज के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे के साथ। नमस्कार।